तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बता बता भीड़। अरे मुझे सच में नहीं पता भाई। अरे तो पता रखना चाहिए ना, पहलो सगो पड़ोसी। हमारा भेड़े इतना होशियार होता तो पता है आज कहाँ होता? अच्छा कहाँ होता? पार्लियामेंट में, सोसाइटी में सेक्रेटरी की कुर्सी पकड़ के बैठा इतने सालों से, और तानाशाह की इधर अपने फैसले हम पे थोपता रहता है। अच्छा मैं तानाशाह की तरह फैसले थोपता रहता हूँ, ठीक है, तो मैं अभी के अभी इसी वक्त सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ, तुम बन जाओ सेक्रेटरी। हाँ या तो कोई भी सेक्रेटरी बन सकता है, जिसको भी सेक्रेटरी बनना है प्लीज खड़ा हो जाए। देखा, किसी को खड़ा नहीं होना, किसी को जिम्मेदार लेनी नहीं है। अरे यार भिड़े, तुम इतने समझदार आदमी हो, इतना तो समझो कि मजाक कर रहा है। शांत हो जा भाई, बैठ जा बैठ जा, तुझसे ज्यादा ईमानदार और काबिल सेक्रेटरी कोई नहीं मिलेगा। अच्छा मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं छोटी को फोन करता हूँ। हाँ करो करो, कोई जरूरत नहीं जेठालाल, वो जरूर पार्टी शार्टी करने गया होगा। ये ले, तुझे पता है तो पहले जब मैंने पूछा तभी क्यों मना किया कि मुझे नहीं पता है? अरे भाई मुझे पता नहीं, वो कहा है, मैंने अंदाजा लगाया। क्या है, रोशन भाभी और गोगी दोनों घर पे नहीं है ना, तो भाई साहब गए होंगे मस्त की पार्टी शार्टी करने। ओहो मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरी पार्टी शार्टी के साथी तारो, और की हाल चाल, की चल रहा है? नाम लिया और तुम आ गए, और जिस अंदाज से तुम आए हो उससे साफ लग रहा है बढ़िया मस्त पार्टी शार्टी करके आए हो। नहीं नहीं मेहता साहब, आज नहीं। अरे कमाल है सोड़ी, रोशन भाभी गोगी दोनों घर पे नहीं है। मैंने पता है कि घर पे नहीं है, लेकिन कहीं वो गलती से वापस आ गई और उसने मुझे पार्टी शार्टी करते हुए पकड़ लिया, तो वो मेरा कॉकटेल बना देगी। अरे पर वो उद्वाड़ा गई है तो अभी वापस क्यों आएंगी? हाँ वो एक बार ऐसे हुआ है, वो गई थी उद्वाड़ा लेकिन अचानक वापस आ गई और मैं घर में अकेला पार्टी शार्टी कर रहा था। बड़े दिनों बाद तू मेरे होठों से लगने वाली है, आज तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, ना सोडा ना पानी, कोई भी नहीं। रोशन, तू इधर बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है? रोशन डार्लिंग तू वापस क्यों आ गई? मेरी बस खराब हो गई इसलिए। तू मैनू फोन कर दी, मैं उठा के बस रिपेयर कर देता। अच्छा ताकि मैं चले जाऊं और तू इधर आराम से बैठ के पार्टी शार्टी करे। तो भी जा, अभी तुझे मजा चखाती हूं। सुनता हूं। अरे यार ये बस वाले भी ना टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते, इसलिए बेटाइम में बसें ब्रेक डाउन हो जाती है। ये अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। ओ मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरा चकना। चकना? अभी मैं तुझे चकना नहीं, वो मखना कह रहा थी, मखना। ओ नहीं नहीं यारो, इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगा, और इस बार अगर उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना तो पावे वो मेरी जान है, लेकिन वो मेरी जान ले लेगी। हाँ भाई जान है तो पार्टी शार्टी, मतलब जान है तो जान है भाई। ओ यारो लेकिन कल से मैं जम के पार्टी शार्टी करने वाला हूँ, और तुम लोग भी करना मेरे साथ जम के पार्टी शार्टी। अरे क्या आप सब भी पार्टी शार्टी करना भाई? अरे रोशन भाभी बाहर गई है, हम लोगों की पत्नियां बाहर नहीं गई हुई है, वो घर में ही है। हाँ उन्हें पता चल गया कि हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो फिर सोचो क्या हाल करेंगी हमारा, घर से बाहर कर देंगे हमें, तुम अकेले करो भाई पार्टी शार्टी। ओए यारो, दो चार दिन के लिए मैं आजाद पंछी हूँ, एक बार रोशन वापस आ गई फिर चला जाऊंगा पिंजरे में। तो नसीबदार है छोटी कि रोशन भाभी दो तीन दिन के बाद आ तो जाएंगे, दया तो अहमदाबाद गई है तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो जेठालाल अहमदाबाद को इंग्लैंड थोड़ी है, तुम जाके ले आओ। अरे मेहता साहब मैं जब भी अहमदाबाद जाने का सोचता हूँ
तो वो सासू माँ के साथ यात्रा पे चली जाती है। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, जब यात्रा से वापस लौटे तब लेने चले जाओ। अरे वो लोग यात्रा से वापस आ जाते तो कोरोना की लहर शुरू हो जाती है, फिर कोरोना की लहर शांत हो जाती है तो लोग फिर से यात्रा पे चले जाते। तो सुंदर को बोलिए ना, वो दया भाभी को लेकर आ जाए। अरे सुंदर कहाँ घर पे रहता है, वो अपने नए नए बिजनेस के नए नए आइडियाज के लिए नए नए फाइनेंसर ऐसी ऐसी जगह पे ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे कोई ना जानता हो। तो अभी अभी देखते हैं दया को कब मेरी दया आती है। अरे पास हो या दूर, आप सबके पास पत्नी तो है, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे मैं यही दुआ करता हूँ कि कभी पत्नी आए नहीं, जिंदगी भर ना आए, तुम हमेशा कुंवारे रहो जैसे हो अभी। अरे मेहता साहब क्यों श्राप दे रहे हैं भाई? अरे तुम्हें श्राप लग रहा है क्योंकि तुम्हारी शादी हुई नहीं है ना, इसलिए। जिन लोगों की शादी हुई उनसे पूछो, उन्हें वरदान लगेगा ये। आइए आइए अंजलि भाभी आइए। सॉरी अंजलि। मजाक करो मेहता साहब। ऐसे कोई मजाक करता है क्या यार भिड़े यार, दिल की धड़कन बढ़ गई थी एकदम। यही यही मेहता साहब, मैं भी ऐसे ही सॉरी बोलना चाहता हूँ। ओए पप्पू, ओ शादी दी गल्ला छड़, ते पार्टी दिया गल्ला कर। ओए कल से कौन कौन कर रहा है मेरे साथ पार्टी शाटी? ओ जड़बरा। अरे नहीं भाई, मेरे घर पे दया भले नहीं है, बापू जी है ना भाई। मेहता साहब बिल्कुल नहीं, अंजलि के नाम से तो ऐसा डर गया था, पार्टी शार्टी नहीं भाई नहीं। अरे प्राप ना ना इल्ला इल्ला हाथी प्राप। नहीं नहीं सोड़ी, कोमल मेरा खाना बंद कर देगी। बिडू भाई पप्पू, और तू तो तैयार है ना? नहीं भाई नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे घर पर मेरी पत्नी है और उसने मुझे मना किया। ओ ठीक है कोई गल नहीं, मैं अपने दूसरे यारों के साथ प्लान बना लूंगा। एंजॉय एंजॉय। चलो भाई अभी तो लेट हो रहा है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। चलो धन्यवाद भाई अब्दुल। थैंक यू अब्दुल। चलो भाई चलो। वाह डरा दिया था बड़े तो थे आज। बड़ा मत था, बहुत बढ़िया। अरे बाबूजी अभी तक आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है। पप्पू की याद आ रही। पप्पू जी दो दिन की तो बात है, अभी आ जाएगा वो। अभी तू नहीं समझेगा जेठिया, जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आएगा, तब तू भी मेरी तरह टप्पू की राह देखेगा। कल को टप्पू भी तेरी तरह काम में व्यस्त हो जाएगा, जिंदगी के दांव पेच में फंस जाएगा। फिर जब वो तेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा ना, तब तू भी उसके साथ समय बिताने के लिए बेचैन रहेगा। इंसान जब जवान होता है तब उसे ये सब नहीं सोचता, वो काम में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाता है, अकेला पड़ जाता है, कमजोर होने लगता है, तब तब जिठे उसे ये घर पैसा ये सब कुछ नहीं चाहिए होता, उसे अपनों का साथ अपनों का समय चाहिए होता है, जो उसे बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए बुढ़ापे में इंसान अकेलापन महसूस करता है, उसे अपने नाती पोतों से इतना लगाव हो जाता है जेठिया कि वो अगर उसके आसपास ना हो ना तो उसका जीवन सूना हो जाता है। चलो जीवन का ये भी एक पहलू है, कभी आप भीड़ से घिरे होते हो, कभी अकेलेपन की परछाई से, लेकिन हमें जीवन के इस पहलू का भी हंसते खेलते सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन का पहिया कभी रुकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चलो
सो जाते। बाबूजी, टप्पू नहीं है तो मैं काम करता हूँ, मैं आज आपके कमरे में ही सो जाता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं। तू बहुत जोर से खर्राटे लेता है, मेरी नींद खराब हो जाती है, तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। नहीं नहीं, मैं खर्राटे नहीं लूंगा बस। अरे क्या नहीं लूंगा, मेरे हाथ में थोड़ी है, जा जा तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। बाबूजी, आपको नींद आ जाएगी। तू मेरे कमरे में सोएगा ना तो नींद नहीं आएगी। चल शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जेठाजी माँ, तुम भी सोए नहीं ना अब तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। टप्पू भी नहीं है ना, टप्पू होता है तो मेरा मन लगा रहता है। जेठिया तो बेचारा पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता है, और कुछ सालों बाद टप्पू भी जेठिया की तरह अपनी जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त हो जाएगा। तभी तुम्हारी कमी और खलेगी। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं जैसा भी हूं खुश और मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहने की कोशिश करूंगा। अरे देवा, ये चाचा जी हवा में किसको देखे बातें कर रहे हैं? और कभी तुम्हारी ज्यादा याद सताएगी ना, तब आ जाया करूंगा तुमसे बात करने, जैसे अभी आया हूँ। यो, ये सच में बातें कर रहे हैं किसी से? हाँ। लेकिन किससे? हाँ भाई, आपने पूछा नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा। पूछूं? हाँ पूछ लीजिए ना। चाचा जी। हाँ। गुड इवनिंग। हैं? आप ये किससे बातें कर रहे हैं? जेठिया की माँ से। किससे? अरे जेठिया की माँ से बात कर रहा हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें दिखाई दे रही हूँ आदमी? नहीं दिखाई दे रही चाचा जी। अरे क्या दिखाई नहीं दे रही है भिंडी मास्टर? अरे वो तेरे सामने ही है, वहाँ वो देख। नहीं दिख रही है। दिख रही है बोल दो आप। हाँ दिखी दिखी, अभी दिखी। नमस्ते चाची जी। अरे वहाँ कहाँ नमस्ते कर रहा है, अभी वो तेरे पीछे। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। चाची आप भी डरा दिया आपने। बिल्ली मास्टर, मुझे जब भी जेठिया की माँ की याद आती है ना, तो मैं उससे बातें करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। वो देख वो देख, वो तारा दिख रहा है, वही है जेठिया की माँ। वाह चाचा जी, इतना प्रेम है आप दोनों में। वो तो है, लेकिन तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? नहीं, एक्चुअली सोनू भी गई है ना लोनावला, तो नींद नहीं आ रही है उसकी याद में। एक बात कहूं बिल्ली मास्टर, तुझे सोनू के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अरे क्यों क्या, कल को सोनू की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तब क्या करेगा? अरे इसमें मायूस होने की क्या बात है बिल्ली मास्टर, अरे ये तो संसार का नियम है, हमें मुस्कुराते हुए उसका स्वीकार करना चाहिए। देखना चाचा जी, बेटी के प्यार में ये संसार के पूरे नियम ही बदल देंगे। मतलब? मतलब चाचा जी ये घर जमाई ढूंढेंगे। जा भाई जा, बिल्ली मास्टर जा। कहाँ? घर जमाई ढूंढने। हैं? अभी
अरे सोने जा सोने, मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ चलो शुभ रात्रि चाचा जी। हाँ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। देखिए की माँ शुभ रात्रि। हाँ मेरी चिंता मत करना, मैं खुश हूँ। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक? अरे नहीं नहीं, वो सोसाइटी के मंदिर में दर्शन करने गया था। अच्छा। ये ले प्रसाद। और कल रात को अच्छे से नींद आ गई ना? क्यों? आप कल वो चाचा जी के साथ बात कर रहे थे तो मुझे लगा आप डिस्टर्ब होंगे इसलिए पूछा। अरे नहीं नहीं, नींद आ गई थी। लेकिन मास्टर एक बात कहूँ, कल रात जो हमारे बीच में बात हुई ना, वो चिट्ठिया को मत बताना। कौन सी बात? वाह वही वही बात जो तू अभी भूल गया है, वो जेठिया को मत बताना। वो क्या है ना, खामा का जेठिया को टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल चाचा जी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ चलो मिलते हैं। हाँ अरे हाँ चाचा जी। हाँ आपकी टपू से बात हो गई? हो गई। ओ सॉरी सॉरी जय जी। ओम मित्राय नमो, मृवय नमो, सूर्याय नमो, भानवे नमो, खगाय नमः, ओम पूषणे नमो, हिरणगर्भाय नमो, मरीचय नमो, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमो, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्धम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तु ते। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, कैसे हैं आप? आप बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? ओ बबीता जी तो आज कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। अभी मैं क्या बताऊँ बबीता जी, आप तो हमेशा एकदम तरोताजा फ्रेश ही लगते हैं। इसका राज क्या है? किसका? ये आपके चेहरे पे हर बार जो निखार होता है उसका। अय्यर। अय्यर भाई। कैसे? ओ क्या रोज आपके चेहरे पे चंदन का लेप लगाते? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अय्यर मुझे इतना खुश रखता है ना कि मैं वैसे ही निखर जाती हूँ। बबीता जी, बहुत सालों से मेरी एक दिली इच्छा है, आप पूरी करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, बोलिए ना। क्या है कि मैं कोलकाता कभी गया नहीं हूँ, तो आपके साथ कोलकाता घूमने की मेरी बहुत इच्छा है। अरे वाह, दिस रियली नाइस। ओके आप वहाँ के हैं ना, तो आप पूरा कोलकाता अच्छे से मुझे दिखा सकते हैं, इसलिए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, इनफैक्ट कोलकाता देखना है ना तो दुर्गा पूजा में देखना चाहिए। दुर्गा पूजा में तो कोलकाता की रौनक ही अलग होती है। अच्छा, हम लोग उस वक्त जाएंगे। हाँ तो तभी चलेंगे, जब भी आप बोलो तभी। अरे मैंने तो सुना है वो गुगली नदी। जेठा जी, गुगली नहीं हुगली नदी। सॉरी सॉरी। हाँ तो हुगली नदी का ऊपर वो जो पुल बना है अंग्रेजों के टाइम का, वो जबरदस्त पुल है वो। हावड़ा ब्रिज। जेठिया खोज ले। हावड़ा हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज बराबर। हाँ हाँ हाँ। और क्या क्या है उधर देखने जैसा? वैसे तो बहुत सारी जगह है। अच्छा बताइए ना कौन कौन सी। अभी बताओ? हाँ अभी। अरे जेठा जी, आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा। नहीं नहीं, लेट नहीं होगा बबीता जी, आज थोड़ी फुर्सत है। अरे ये फुर्सत वाली, अरे फुर्सत है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? पप्पू जी आप नीचे क्या कर रहे हैं, कैसे मतलब? अरे वो सब छोड़, अरे तुम तो बेल बजा रहा हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल। आइए ऊपर आइए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ऊपर आइए बबीता जी, एक दो मिनट। आइए बाबू जी, आइए। फुर्सत दियो। सॉरी। तो
तो दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी में एक और सुबह की शुरुआत धूम धड़ाके के साथ हो गई। जेठालाल बिजी है बबीता जी से बात करने में, इसलिए दरवाजा नहीं खोल पाया। चंपक चाचा गुस्सा हो गया और डांट दिया है जेठालाल को, आपको तो मजा आ गया होगा। ये तो खासियत है गोकुल धाम सोसाइटी के, जो छोटे छोटे खुशनुमा हसीन पल है ये आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। और यहाँ जो मिलता है स्नेह, प्यार, हंसी, मुस्कुराहट और कहीं संभव नहीं है। इसीलिए तो आप सालों साल ये साथ निभाते रहे हैं और इन हसीन पलों को, इन खुशनुमा पलों को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ यहाँ चले आते हैं। इतने बरसों का ये नाता, इसीलिए आपका परिवार हमारा परिवार और गोकुल धाम का परिवार आपका परिवार बन गया है। तो सुबह की शुरुआत तो धूम धड़ाके से हो चुकी है, तो देखिए यहाँ रात तक क्या होगा। भाई कमाल होने वाला है, एक राज की बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे 440 फुट का झटका लगेगा, यानी कि कुछ गड़बड़, कुछ कमाल, कुछ हंगामा। क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।